अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि हम सब के अंदर छ ऐसे स्किल्स छ ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो कि बहुत 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 डिफिकल्ट हैं बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ एंड इफ वी हैव दैम वी कैन अचीव एनी थिंग एंड एवरी थिंग इन आर लाइफ आप बोलोगे ऐसे क्या हो सकता है मैम कोई भी स्किल्स एनी बडी कैन लर्न एनी स्किल येस ऑफ कोर्स एंड वॉट इफ आई टेल यू दी स्किल्स आर ऑलरेडी देयर इन यू बट यू नेवर अनअर्थ अनदैम और यू नेवर थिंक अबाउट दैम बट यकीन मानो अगर इन छः स्किल्स में से आप पाँच स्किल्स के भी राजा हो तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो फिर वो चाहे पैसा इज्जत शहरत दौलत बहुत सा नाम और अपना एक बहुत प्यारा सा मुकाम ना विल बी अल क्यूरियस एज टू नो और एक्साइटेड टू नो मैम व्हाट आर दो स्किल्स प्लीज़ शेयर करिए आई एम अ मदर टीचर गाइड फ्रेंड And these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Koshik, and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Koshik. So, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Koshik, and thank you so much once again for all your love, affection, and lots and lots of happiness that your mails and your messages infuse in me. Today, we will And before that, those of you who are new to the channel, I quickly will tell you that I'm an educationist by profession. with more than 35 years of educational experience in my hand and in this channel on nitty Gritty with dr neeti kaushik i share my life experiences with you i share my learnings with you and i try and help you to reach uh, to to the level that you wish to or extract anything aapko is mere डिस्कशंस uh, में से कुछ भी अगर इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट या अच्छा दिखता है या आप लेना चाहते हैं और वो आपको कहीं भी लाइफ में हेल्प करता है तो मुझे मुझे उससे ज़्यादा एज अ टीचर उससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी आई थिंक आई वी डी हैप्पीस्ट ऑफ ऑल पहला ऐसा स्किल कौन सा है विच वी शुड हैव ऑल ऑफ अस मस्ट हैव एंड दैट इज़ द स्किल ऑफ लिसनिंग आई है लिसनिंग वॉट डू यू मीन बाई लिसनिंग हम अक्सर सुनते हैं जवाब देने के लिए हम अक्सर हमारे कानों में कोई भी बात पड़ती है वो इसीलिए पड़ती है दैट वी आर लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड टू रिएक्ट

आप पहले सबकी सुनिए आपको यकीन मानो इतना मज़ा आएगा आ, सुन के किसी भी मुद्दे पे जब बात हो रही है तो आपको समझ में आएगा कि हर किसी का व्यू पॉइंट क्या है नॉट जस्ट दैट आपको समझ में आएगा हर इंसान की डेप्थ क्या है आपको समझ में आएगा उस इंसान के अंदर क्या है सो स्टार्ट लिसनिंग फर्स्ट एंड रिस्पॉन्डिंग द लास्ट वन रादर देन रिएक्टिंग एज द लास्ट वन प्रैक्टिस दिस बिकॉज वन थिंग हमेशा याद रखना इफ़ यू अग्री डोंट बी इन अ हरी टू सेफ़ यू डिस अग्री डोंट बी इन अ हरी टू से नो बुद्ध द थिंग्स प्रैक्टिकली वंस यू हैव लिसन्ड टू एवरीबडी इन द रूम यू विल नो वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग एंड पर्स आपके अंदर की बात पहले ही चार लोग बता चुके हों तो आपके लिए तो वो एक तरह से स्टैम्प लग जाएगी कि ठीक है माई थॉट वॉज ऑल्सो सिमिलर टू वॉट दीज पीपल हैव थॉट और एल्स आई थिंक डिफरेंटली एंड दिस इज़ वॉट आई थिंक अबाउट और बहुत बार हमारे दिमाग की बत्ती तभी चलती है जब हम सबकी बात सुनते हैं दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू बट यू कैन ऑलवेज ट्राई इट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग नो कंप्लेनिंग नो क्रिटिसाइजिंग आपने देखा है नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम वॉट डू वी डू नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द टाइम हम किसी से भी बात करते हैं आई दो वी आर टॉ टू आर फ्रेंड्स ऑफ वी आर टॉकिंग टू आर कुलीस ऑफ वर टिंग टू आर पेरेंट्स वीयर टॉकिंग टू आर चिल्ड्रन एवरी

The day is going to be all positive. There is nothing wrong in my life. I'm not going to be finding faults wherever or anywhere in my life. I'm going to be positive. I'm going to be happy. So that one day will be a no-complaint day. नो कम्प्लेंट डे जब भी आपके मन से निकलने लगे कि कुछ किसी के लिए बोल रही हूँ या खुद के लिए इमीडिएटली अपने आप को चुप करना है आज नो कम्पलेंट डे है जैसे कहते हैं ना हम व्रत रखते हैं ना हफ्ते में एक दिन तो जब वंस इन अ वीक हम व्रत रखते हैं तो उस दिन क्या करते हैं नमक नहीं खाते जब नमक नहीं खाते तो ऐसा नहीं है हमारे सामने नमक पेश नहीं होता हमारे सामने खाना नहीं बनता बट हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें नमक ना खाने पे मजबूर करती है और मजबूर नहीं करती वो अंदर से हिम्मत आ जाती है इनफैक्ट नवरात्रों में तो बहुत से लोग नौ नौ दिन तक खाना नहीं खाते हैं एंड दे आर जस्ट दे दे आर वेरी हैप्पी विद फ्रूट्स एंड विद वेजिटेबल्स एंड विद जूसेज ओनली सो क्या हम वीक में एक दिन नो कंप्लेंट नो क्रिटिसाइजिंग डे रख सकते हैं ट्राई डूइंग इट नो आई एम गोइंग टू भी टॉकिंग अबाउट द थर्ड इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट विच इज़ अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देट इज़ मैनेजिंग योर टाइम हाउ बिज़ी यू आर इन योर लाइफ ऑल डिपेंड्स हाउ यू मैनेज योर टाइम आर यू मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली और यू आर वेरी वेरी बिजी मैंने अक्सर बहुत लोगों को देखा है जो ये कहते हैं हम बहुत बिजी हैं हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं है मैं भी उनमें से हूँ जिसको ये कहा जाए बहुत बिज़ी बहुत बिजी पूरे मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है दैट काइंस राइट बट आर यू इफेक्टिवली बिज़ी यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वी हैव सीन बीज बींग बिजी एक मक्खी पूरा दिन बिजी रहती है एक मधुमक्खी पूरा दिन बिजी रहती है अब आप समझ सकते हैं मक्खी कहाँ बिजी रहती है और मधुमक्खी कहाँ बिजी रहती है सो so, आपको अपनी ज़िंदगी मक्खी वाली बनानी है या मधुमक्खी वाली बनानी है द चॉइस इज़ योर्स so try and see that you are very very effective you are not trading your time with anything else you are trading your time you are more effect by being more effective you are trading your time by being more productive and you are practicing that yes i am busy because i am productive and i am contributing in this life this was the third important lesson विच आई फेल्ट आई मस्ट शेयर विद यू नाउ आई मूव टू द फोर्थ लेसन वॉट इज द फोर्थ लेसन फोर्थ लेसन इज लिव इन नाउ अगैन यूल से मैम वेरी वेरी डिफिकल्टू नो वी हैव गॉट अ वंडरफुल वंडरफुल पीस यर विच इज़ आर माइंड वो हमारे ब्रेन में ना बड़े प्यार से ब्रेन में भी नहीं रहता एक्चुअली माइंड जो है वो हमसे जिंदगी में सारे काम करवाता है हमारे अंदर भर भर के ईगो देता है हमें भर भर के गुस्सा देता है हमें भर भर के प्यार देता है सब कुछ माइंड एक बड़ा प्यारा सा समथिंग लाइक यू नो बॉलीवुड मूवी आई शुड से खूब मसाले वाली मूवी की तरह बना के चीज़ें हमारे सामने पेश करता है वॉट इज़ माइंड डू फॉर अस माइंड आई दर ट्रांसपोर्ट्स अस टू पास्ट और एल्स टू द फ्यूचर ना इफ हाफ द टाइम वी आर इन दास्ट वी विल बी डिप्रेस्ड बिकॉज माइंड को बहुत मज़ा आता है दुख भरी कहानियों को बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के दिखाने में और हम उन दुख भरी कहानियों को सोचते हैं कि ओह ये तो हमारी ज़िंदगी की सबसे मतलब ऐसे लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुख ही इंसान मुझसे से तो है नहीं दिस इज़ हाउ माइंड पो यू राइट उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप प्रेजेंट में होते हो बिकॉज माइंड स्टार्स गेटिंग अनकम्फर्टेबल और एल्स माइंड टेक्स इ फ्यूचर नो वॉट इज़ फ्यूचर फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट एंशियसनेस एंशियसनेस एज टू ये कैसा होगा मेरी प्रेजेंटेशन कैसी होगी मेरा काम कैसा होगा मेरे मार्क्स ठीक आएंगे कि नहीं मेरा रिजल्ट ठीक आएगा कि नहीं दैट मीन्स वॉट ना इधर आई एम देअर नॉर आई एम हेयर रहना चाहिए मुझे प्रेजेंट में अब अगर मैं आपको बोलूँ आपके सामने एक प्लेट में आपकी फेवरेट मिठाई है राइट और मिठाई सामने रख के मैं आपसे बोलूँ अभी आपकी फेवरेट मिठाई है अब आप इस मिठाई का मुझे अच्छे से बखान करिएगा कैसे बखान चाहती हूँ मैं इसकी स्मेल कैसी है इसका लुक कैसा है दिखने में कैसी है आ, थोड़ा सा टुकड़ा लेके जबान पे रखेंगे और यू विल इंजॉय द फ्लेवर एंड यू विल से ओह इसका स्वाद कैसा है एंड इस, इस इसको देख के मुझे कैसा सा फील होता है राइट नाव आई एम कोटिंग दिस एग्जाम्पल इज़ बिकॉज फॉर मी स्वीट्स आर माई वीकनेस ओके जब मैं आपसे ये बोलूँगी मैंने आपसे पाँच मिनट के बाद इस मिठाई से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन पूछने हैं सो so, आप पाँच मिनट तक उस मिठाई को इतने ध्यान से स्टडी करोगे कि आपने पी की थीसिस भी नहीं की होंगी जितना ध्यान से उस मिठाई को देखा होगा अब आप सोच के देखो पाँच मिनट बाद आप रेडी होगे कि मुझसे कुछ भी पूछ लो और <laughs> क्यों क्योंकि आपका टेस्ट होना था उस टाइम ना आपकी पास्ट आपके पास था ना आपका फ्यूचर आपके पास था माइंड को आपने कहा था चल हट और आपकी पूरी अटेंशन उस चीज़ को समझने में थी कि मुझसे अभी ये पूछा जाएगा सेम गोज फॉर अ क्विज़ जब हम कोई क्विज पजल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें बहुत मजा आता है जो सुडोको करते हैं उनसे पूछ के देखो उनको कितना मज़ा आता है और सुडोको करते समय अगर कोई उन्हें डिस्टर्ब करे तो कितना बुरा लगता है सो वॉट इज हैपनिंग दैट्स द टाइम वैन दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट दैट्स द टाइम वन दे आर एक्चुअली इन द टाइम सो इन द ट्वेंटी फोर आवर्स हाउ मेनी आवर्स वी आर एक्चुअली विद आर ओन सेल्वस स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट स्टार्ट इन्जॉइंग द मोमेंट स्टार्ट फीलिंग द मोमेंट थ्री सिक्सटी डिग्रीज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पाँचों तत्वों के साथ जोड़ते हुए चलोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी मेडिटेशन भी इसी को कहते हैं राइट right? कोई वो बहुत बड़ी साइंस नहीं है दिस इज वॉट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट ट्राई डूइंग दैट नाउ आई मूव टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड दैट सक्सेस सक्सेस इज अ जर्नी इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन ऑलवेज रिमेंबर सक्सेस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली पावरफुल मूविंग टूवर्ड्स योर गोल्स दैट्स वॉट इज गोइंग टू लीड यू टू सक्सेस और अगर आप ये सोचो कि वो एक डेस्टिनेशन है जैसे अनादर एग्जाम्पल आई गिव्यू आपने कहीं भी सफ़र करना है आप उसके लिए इतने एक्साइटेड होते हो आप प्लानिंग करते हो आप डेट्स प्लान करते हो आप अपना आ, अटायर प्लान करते हो मैं कौन से कपड़े लेके जाने वाला हूँ मैं किस मोमेंट पे क्या करने वाला हूँ या वाली हूँ किस किस होटल में मैं रहने वाला हूँ सो दैट एक्साइटमेंट ऑफ होल प्लानिंग एंड द जर्नी एंड इफ यू आर गोइंग बाई रोड और यू आर गोइंग बाई प्लेन यू आर इंजॉइंग वॉट इज़ ऑल अराउंड यू और जब आप वहाँ पहुँच जाते हो आपको अच्छा लगता है सुकून मिलता है और फिर जब वापस आ जाते हो तो आप क्या सोचते हो यार जो ख़त्म भी हो गया इतनी जल्दी से सो so डेस्टिनेशन में आके लगता है ख़त्म भी हो गया दैट जर्नी दैट प्लानिंग द इंटायर इम्प्लीमेंटेशन वॉज सो ब्यूटिफुल सिमिलरली सक्सेस इज़ अ जर्नी आप नहीं कह सकते कि आज मैंने इतने करोड़ कमा लिए तो मैं मेरी मैं सक्सेसफुल हूँ नो जिंदगी भर आपको सक्सेस चाहिए किस चीज़ के लिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को अपने आप से जोड़ने के लिए जैसे आपको भगवान ने बना के भेजा है वैसे रहने के लिए so work on that success and work on that parameter it is important and now the last point this is very 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 important point speaking in public 90% of us find it very difficult and uncomfortable to just address anybody and everybody in public it was there in me too and to an extent it is still there and i'm still working on it why you probably will be amazed. but yes, when i'm in front of the camera, i'm entirely different. when i'm on the stage doing something, I, I mean to say, you know, addressing parent audience or anything else, i'm different. but in a classroom when i'm sitting and i'm attending a lecture, I, it's so difficult for me to raise the hand and ask or make, ask the teacher to make me understand as to mujju samaj mai niya. public speaking is very important, q. आप अपना थ्रोट चक्रा खोलते हो आप अपना हार्ट चक्रा खोलते हो आपके अंदर जो बॉटल्ड अप इमोशंस हैं जो फीलिंग्स हैं जो थॉट्स हैं उन सबको खोलते हो और जब तक वो अंदर से बाहर नहीं निकलेगा यू विल नेवर बी एज़ कॉन्फिडेंट एज़ एनी बडी एल्स हु इज रियली 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 ग्रेट ओवर देयर उनमें कोई डिफरेंस नहीं है तुम में कोई डिफरेंस नहीं है शायद तुम में उनसे ज़्यादा समझ है शायद उनसे ज़्यादा हिम्मत है शायद उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है और उनसे ज़्यादा नॉलेज भी है और उनसे ज़्यादा एम्पथी भी है बट आप चीज़ों को अगर बॉटल्ड अप रखोगे तो वो कहते हैं ना, जैसे हम आ, एक कोक की बॉटल खोलते हैं या लिकर की बॉटल खोलते हैं तो वो से एकदम निकलता है गुबार तो इसी तरह से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी स्टार्ट डूइंग इट वी स्टार्ट पब्लिकली स्पीकिंग अगर आपको बहुत घबराहट है स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर ग्रुप स्मॉलर ग्रुप कुड बी जस्ट यू एंड योर बेस्टी और वन और टू फ्रेंड्स और एल्स वो भी नहीं कर सकते हो तो अपना कैमरा सामने लगाओ द वे आई डू इट कैमरा लगाती हूँ मैं अपने आप से बात करती हूँ मस्त सामने के फ्रंट कैमरा से मैं अपने आप रिकॉर्डिंग करती हूँ एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील आई एम टॉकिंग टू माई ओन सेल्फ एंड दैट्स डन Start from one person, one audience. That is you. Move on to more people, and more people, and more people. Gradually, you'll be able to do that. It's not rocket science. Hai, but it's possible you can do that. So these were the six things which I said and told you in the beginning. Try and work on these six things because they will magically change your world. And believe you me, they magically changed my world. I'm not saying I'm perfect in all these things. I am still on the on the way of getting perfected. I don't know how much time it will take, but I know for sure I am on the journey of excellence. Same I expect for you. Thank you so much. God bless you. Stay blessed. Stay abundant. Lots of love.